अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो बहुत अहम है, आपने लाजमी देखनी है और शुरू से आखिर तक देखनी है, क्योंकि ये लिंक है, इसके नीचे मैं लिंक और डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। पहली बात है जुल्फी बुखारी साहब के इस्तीफे की, उसकी डिटेल आपको दूंगा। रिंग रोड स्कैंडल क्या है उसकी डिटेल आपको दूंगा। पेंशन में जो इजाफा हो रहा है उसकी डिटेल आपको दूंगा, जो बजट में पेंशन में इजाफा होना जा रहा है। और उसके बाद अलार्मिंग सिचुएशन जो है उस पर भी हम बात करेंगे। ये चार पाँच पॉइंट बड़े ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट ये है जी, मैंने एक वीडियो बनाई थी रिंग रोड स्कैंडल पे और मैंने ये बताया था कि जुल्फी बुखारी साहब और ग़ुलाम सरवर साहब ने अपनी ज़मीनों तक रिंग रोड को पहुँचाने के लिए उसके 4 से 8 एग्जिट कर दिए, और उसकी वजह से जो मनसूबा 35 अरब में मुकम्मल होना था वो 66 अरब रुपये में मुकम्मल हुआ। इमरान खान साहब क्योंकि ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, जब उन्हें ये पता लगा तो उन्होंने जो रिपोर्ट वसूल की उसमें ये बड़े नाम शामिल थे। इस पर जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि मैंने 2 दिन पहले बताया था कि वो रिप्लेस होने जा रहे हैं। जब ये खबर उन तक भी पहुंची कि वो रिप्लेस होने जा रहे हैं, तो उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, ताकि मेरी ये बेइज्जती ना हो कि मुझे रिप्लेस किया गया है कारकर्दगी की बुनियाद पर। ग़ुलाम सरवर साहब तो अल्लाह की गाय है, जिस तरह मुँह मोड़ दे उस तरह चल पड़ते हैं। मैं उनके इलाके का हूँ और वो जो कहानियाँ सुनाते हैं टीवी पे बैठ के, वो 100% झूठ है कि मैं मिडिल क्लास से हूँ और मुझे तो पता ही नहीं, और ये और हवाबाजी और ये। वो हमेशा ऐसी मिनिस्ट्री में रहे हैं जहाँ से वो अपने लोगों को भर्ती कर सके। OGDC में भी वो मिनिस्टर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो। मुझे तो याद है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा। बहरहाल मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, ना मेरा ताल्लुक है। मैं निज़ाम की तब्दीली का हमायती हूँ, चेहरों की तब्दीली से पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है आपकी पेंशन्स के हवाले से। पेंशन में जो इजाफा करना था EOBI के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो इजाफा ट्वीट किया था जुल्फी बुखारी साहब ने ईद से कुछ दिन पहले, कि आपको हमने जो 1500 देने का वादा किया था वो अब हम 2000 करेंगे इजाफा, लेकिन करेंगे हम दिसंबर में। उन्होंने वादा किया था कि अब हम दिसंबर में आपको 2000 देंगे। हमारी मुसद्दक़त लात के मुताबिक इस बजट में, जो कि 8 या 9 जून को पेश होने वाला है, पेंशनर्स EOBI के जो है उनकी सैलरी में, सॉरी पेंशन में 1500 रुपये का भी नहीं इजाफा होगा। तकरीबन 8500 ले रहे हैं, 10000 तक उनको मिलेगी, 15000 तक नहीं मिलेगी। हमारी मुसद्दक़त लात है, अल्लाह करे कि आपको 15000 रुपया मिले। हमारी दिली ख्वाहिश है कि आपको 15000 रुपया मिले, क्योंकि इन हालात में जो जा रहे हैं बहुत मुश्किल है गुजारा करना। तो ये हमने पहले बता दिया था कि जुल्फी बुखारी साहब जा रहे हैं, अज़र अमीद साहब उनकी हिमायत में नारे मार रहे हैं, लेकिन अज़र अमीद खोकर साहब वापस EOBI के चेयरमैन बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गूगल की सर्च तो आज भी अज़र अमीद साहब को EOBI का चेयरमैन बताती है। फिर हमने आपको बताया था कि इमरान खान हुकूमत का शायद ये आखिरी बजट हो, क्योंकि जहांगीर तरीन के साथ जो उन्होंने खड़ाक लगाया हुआ है उसका मकसद ये है कि जहांगीर तरीन की वजह से वो सदर पाकिस्तान से कह के असम्बलियाँ तहलील कर दें, और उनके असम्बलियाँ तहलील करने की वजह से इलेक्शन होंगे, और वो इलेक्शन में एक ही नारा लेके आएंगे कि देखें माफिया ने मुझे हटा दिया, आप मुझे स्ट्रॉन्ग करें, मैं इस माफिया को पूछूं, जो कि उन्होंने पूछना कोई नहीं। इसलिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस बजट में आवाम को जितना रिलीफ दे सकते हैं वो दे दें, कम अज़ कम पेंशन जो है उस पर EOBI वालों को रिलीफ दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये कुछ खास गुजारिशात हैं, उसमें 2 बातें मैं आपको और काम की बता देता हूँ कि बैंक अलफला के ख़िलाफ़ जो है वो को नोटिस भेज दिया गया है कि इस दफ़ा पेंशन क्यों नहीं मिली और क्यों लेट मिली है। बैंक अलफला को पहली दफ़ा पूछ लिया गया है कि ऐसा क्यों हुआ है और इतनी जुल्म और ज़्यादती क्यों कही गई है। और आखिरी रिपोर्ट आपको दे दूँ जो अलार्मिंग सिचुएशन की मैंने बात की थी, वो ये है कि 2000 आजर यानी कि 2000 रजिस्टर्ड इदारे EOBI से निकल गया। तो आप अंदाज़ा करें, अगर एक में 5 भी थे तो 10000 बंदों का नुकसान हो गया है, जिनकी अब पेमेंट EOBI को भरनी है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम अगले वीडियो में आपको अज़र अमीद साहब का बयान और EOBI से मुतल्लिक और भी इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।